दोस्तों स्पोर्ट्स की दुनिया है बहुत ही कमाल किस्म की दुनिया। यहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कमाल किस्म का वाकया पेश आता है जिसे अगर वीडियो में रिकॉर्ड ना किया जाए तो शायद आप उस पर यकीन ही ना करें। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल किस्म के वाकयात दिखाने वाले हैं जिनका ताल्लुक है खेल की दुनिया से और इन्हें रिकॉर्ड करके हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट क्रिएट की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए जरा इस कमाल किस्म की वीडियो को जिसमें अपने होम ग्राउंड पर मैच जीतने के बाद इस इलाके की आवाम ने ऑरेंज फायर क्रैकर्स के जरिए मैदान के अंदर ऐसा समा क्रिएट कर दिया कि ये गाते हुए आग लगाने वाला एक ऐसा कमाल फीलिंग दे रहा था कि यूं लगता था कि शायद स्टेडियम को आग के बगुलों ने लपेट लिया है। और दोस्तों देखिए जरा मैनचेस्टर यूनाइटेड के कमाल किस्म के मैनेजर को जो कि डिजर्व करते हैं एक ऑस्कर। और इस लड़की को देखिए जिसने हेडलॉक लगाकर अपने अपोनेंट को नीचे जमीन पर गिरा दिया और एक मिनट में धूल चटा दी। और जरा देखिए इस भाई साहब को जो कि बेसबॉल के बैट से हिट लगाने के बाद जब इसे हवा के अंदर उछालते हैं तो बेसबॉल एक अच्छी पत्नी की तरह वापस आकर जमीन पर खड़ा हो जाता है सीधा हाथ बांधकर। और इन भाई साहब को देखिए जो कि अपने हाथों से इस बॉल को जो कि बॉलिंग एली के अंदर अभी जाएगी ऐसा स्विंग करते हैं कि ये एक ही बॉल दो अलग अलग डायरेक्शंस में पड़े सुडोकुस को जमीन पर गिरा देती है। इस शॉट को फ्लाइंग ईगल कहते हैं। और दोस्तों गोली को अगर आप चकमा देने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए कि फुटबॉल के मैच में हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है। देखिए जरा इन भाई साहब को जो कि गोली की किक किए बगैर बॉल को किक करते हैं और गोल कर देते हैं और बाद में येलो कार्ड लेकर स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं। और दोस्तों यूएफसी की तारीख का फास्टेस्ट नॉकआउट सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अपने अपोनेंट को जमीन पर ढेर कर देने का जरा ये कमाल मंजर तो देखिए। दोस्तों आप जानते होंगे कि बाउलिंग एले के अंदर जब एक दफा आपकी बॉल तमाम सुडोकुस को हिट कर जाती है तो कोई एक भी वापस नहीं खड़ा होता, लेकिन इन भाई साहब की किस्मत बड़ी अजीब थी क्योंकि सारे जब नीचे गिर गए तभी एक सुडोको वापस खड़ा हो गया। दोस्तों मॉन्स्टर ट्रक्स को देखना बड़ा ही कमाल किस्म का एक्सपीरियंस होता है। जरा देखिए इस मॉन्स्टर ट्रक को जो कि एक भाई साहब चला रहे हैं, ये बार बार उलटता है पलटता है और फिर दोबारा से सीधा होकर आगे बढ़ जाता है। इसके ड्राइवर भी बहुत ही माहिर होते हैं। और ये एक मदर हैं जो कि अपने बच्चे की ट्यूशन फीस माफ करने के लिए एक चैलेंज लड़ रही हैं, जिसमें इन्होंने एक बॉल काफी फासले से बास्केटबॉल में डालनी थी। दोस्तों ये कमाल किस्म का शॉट हो गया क्योंकि इन्हें लगा कि बॉल नीचे जमीन पर गिर गई है और बास्केट के अंदर नहीं गई, लेकिन बॉल एक टिपका लगाकर दोबारा बास्केट के अंदर से गुजर गई और इनकी बेटी की पूरी फीस माफ कर दी गई। और दोस्तों क्रिकेट मैच के दौरान एक फैन ने ऐसा कमाल किस्म का कैच पकड़ा कि $5,000 का इनाम हासिल कर लिया। और ये बाइकर जिसे आप देख रहे हैं कि बाइक रेसिंग के दौरान नीचे गिरकर क्रैश हो गया, ये दोबारा अपनी बाइक उठाकर रेस को इसने ज्वाइन किया और जिस टियर के अंदर ये खेल रहा था यानी टॉप 10 के अंदर वहीं पर ये वापस भी आ गया। और दोस्तों पैब्लो क्वेवस जो कि टेनिस स्टार हैं, उनकी ये कमाल किस्म की मूव तो पूरी दुनिया ने देखकर तालियां बजाई अपने घरों में बैठकर भी, क्योंकि चागों के बीच से एक इंतहाई स्लो शॉट मारना सिर्फ इन्हीं का काम हो सकता था। और दोस्तों फुटबॉल मैच के दौरान क्या आपने आज से पहले कभी देखा है कि दो खिलाड़ियों के शू के लेसेस आपस में चिपक जाए? और दोस्तों जरा देखिए जापान का ये कमाल किस्म का कंपटीशन जिसमें काफी सारे लोग मिलजुल कर एक बड़े से तने के ऊपर बैठ जाते हैं
और फिर ये तना एक बड़ी सी पहाड़ी पर से नीचे की तरफ गिराया जाता है। ये काफी खतरनाक स्पोर्ट है क्योंकि इसके अंदर चोट लगने का भी काफी खतरा होता है, और इसके साथ ही साथ ये भी खतरा होता है कि लोग इसके नीचे ना आ जाएं, क्योंकि अगर कोई लॉग के नीचे आएगा तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। और दोस्तों कॉलेज के फुटबॉल मैच का जरा ये मंजर देखिए, जिसमें एक लड़का बड़ी महारत के साथ बॉल पकड़ता है और आहिस्ता से अपने अपोनेंट्स को क्रॉस कर जाता है, जिन्हें लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, हालांकि वो उनके दरमियान से मूव कर रहा होता है, और भाग कर वो बाउंड्री लाइन पर पहुंच जाता है और गोल कर देता है। और दोस्तों बास्केटबॉल की हिस्ट्री में ऐसा कमाल किस्म का थ्री पॉइंटर आपने आज तक नहीं देखा होगा, जिसमें ये भाई साहब उल्टी बॉल फेंक कर गोल कर देते हैं। और दोस्तों जलचान का ये गोल एक ऐसे मैच का है जिसमें उन्होंने टोटल 4 गोल स्कोर किए, और सेंटर ऑफ ग्राउंड से उल्टी सीधी किक्स मार कर ये गोल उन्होंने परफॉर्म किए, जो कि सॉकर हिस्ट्री के अंदर अपनी जात में एक रिकॉर्ड है। और दोस्तों बास्केटबॉल में जब बिल्कुल टाइम आउट हो रहा था तो आखिरी सेकंड में भाई साहब ने बॉल को टेनिस कोर्ट की एक नुक्कर से दूसरी नुक्कर की जाने फेंका और एक कमाल किस्म का गोल रिकॉर्ड कर दिया। और दोस्तों साइकिल फुटबॉल क्या आपने आज से पहले देखी है, जिसमें पहिए से गोल किया जाता है। ये है जनाब निक ब्रेट, जो कि अपने हैंड स्नोकर कंपटीशन में एक पीले रंग की बॉल को टारगेट करते हैं। इंतहाई स्लो बॉल जा रही है और हैंड स्नोकर में से ये बॉल जब टच करती है तो लोग हैरान रह जाते हैं कि भाईजान की क्या स्विंग है। और दोस्तों ये आखिर में कैच है जो कि फिंच और उनके साथी ने पकड़ा, और ये बंदे ने कैच जो है ये हवा के अंदर पकड़कर हवा में ही बॉल उछाल दी इससे पहले कि ये बाउंड्री लाइन से बाहर गिरता, और साथी ने बॉल को कैच किया और यूं उन्होंने एक ऐसी विकेट ले ली जो कि बजाहिर नामुमकिन दिखाई देती थी और लगता था कि शायद ये छक्का हो जाएगा। लेकिन जाहिर है कि जब आप दुनिया के नंबर 1 फील्डर हो तो आपको कौन रोक सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।